हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इसकी मार्केट की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही चर्चा करेंगे हमें अपने शेयर्स वापस कब तक मिलेंगे और फिर से स्टॉक में रेगुलर ट्रेडिंग कब तक स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें जो कि हमें 26 फरवरी को देखने को मिली थी, जहाँ पे इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 12 रुपीस के अराउंड ये स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। और जब से आप नज़र डालोगे NCLT कोड से हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर किया, काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाउसेस या मार्केट एक्सपर्ट्स पे आप नज़र डालोगे तो सभी का यही मानना है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनके जो शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होती हुई नज़र आ रही है और किसी को भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलते हुए नज़र आएगा, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रिलायंस कैपिटल में फिर से हमें अपने शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिलायंस कैपिटल में फिर से आपको बहुत जल्द रेगुलर ट्रेडिंग तो स्टार्ट होगी और साथ ही आपको आपके शेयर्स भी बहुत जल्द यहाँ पे मिलते हुए नज़र आने वाले। और वहीं पे आप रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की ऑफिशियल NSE साइट पे भी नज़र डालोगे, जहाँ पे आप करंट स्टेटस पे नज़र डालोगे, जहाँ पे क्लियरली लिखा है टेम्परली सस्पेंडेड, जो कि आप मेरी साइड स्क्रीन के नीचे की तरफ देख ही सकते हो। अगर यहाँ पे स्टॉक डीलिस्टेड होता तो यहाँ पे क्लियरली लिखा रहता स्टेटस पे डीलिस्टेड, लेकिन जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पे हमें टेम्परली सस्पेंडेड शो हो रहा है। तो यहाँ से हम ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते बहुत जल्द फिर से स्टॉक में रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी और फिर से आपको आपके शेयर्स वापस मिलते हुए भी नज़र आने। और काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का यह भी मानना है कि स्टॉक डिलिस्टेड हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, फिलहाल तो आपको यहां पे चिंता की कोई करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो फिलहाल ट्रेडिंग यहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई, क्योंकि अक्सर हमने कई बार देखा है कि कोई भी स्टॉक जब NCLT कोर्ट में जाता है, जब वो बाइंग की तरफ होता है, कोई कंपनी उससे बाइंग करने ही वाली है, तो यहां पे ऑपरेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके चलते स्टॉक में हमें कई बार अक्सर कंटिन्यूसली अपर सर्किट और कई बार कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगती हुई नजर, जिसके चलते जो स्टॉक का प्राइस है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके चलते जितने भी बड़ी कंपनी से वो अक्सर NCLT कोर्ट से जब किसी भी स्टॉक को बाय करते तो उसकी जो ट्रेडिंग है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते, जिसके चलते स्टॉक के प्राइस के साथ हमें मैनिपुलेशन देखने को ना मिले। तो फिलहाल ये एक रीज़न है जिसके चलते रिलायंस कैपिटल में फिलहाल तो ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, लेकिन बहुत जल्द फिर से आपको एक नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए नज़र आने वाली है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में। रिलायंस कैपिटल की कुछ बड़ी अपडेट्स की बात करें, रिसेंटली हमें एक आर्टिकल देखने को मिला जो कि मैं आपको पढ़ के सुना, रिलायंस कैपिटल इन्वेस्टर्स मूव टू हाई कोर्ट चैलेंजिंग डीलिस्टिंग ऑफ द शेयर्स। तो रिसेंटली रिलायंस कैपिटल के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट का सहारा लिया है कि जो NCLT कोर्ट में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है हिंदुजा ग्रुप के तरफ से, जो रिलायंस कैपिटल टेक ओवर कर दिया, जिसके चलते जो हमारे शेयर्स यहाँ पे जिसको जीरो की वैल्यू कर दी गई, जिसके चलते रिलायंस कैपिटल के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे हाई कोर्ट में एक याचिका जाहिर की है और यहाँ पे एक चैलेंज है NCLT कोर्ट को, जो ये हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो देखा तो एक तरह से काफ़ी ज़रा पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिली, जिसके चलते हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनने को मिलता है तो हमें अपने शेयर्स तो 100% मिलने हैं, क्योंकि रिसेंटली NCLT कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास किया था, जहाँ पे अगर कोई भी पुरानी कंपनी को जब कोई न्यू कंपनी टेक ओवर करती है और जब फिर से वो उसे मार्केट में रिलीज करती है तो एक मिनिमम 20 या 25% का जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे रिटेल इन्वेस्टर जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर से उसे भी देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रा पॉजिटिव न्यूज़ हमें रिसेंटली कुछ महीने पहले देखने को मिली, जहाँ पे हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हमें तो अपने शेयर्स मिलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया रेशियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप नज़र डालोगे जब पतंजलि का स्टॉक फिर से मार्केट में रिलीज हुआ था तो हमें 1000 शेयर्स के बदले 1 शेयर मिला था, जो रुचि सोय का जो केस हुआ था, और कई ऐसे स्टॉक्स भी है जिसमें हमें काफ़ी ज़रा कहीं पे हमें 10 शेयर्स भी मिले। तो ये फिलहाल तो रेशो के ऊपर है जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जैसे डिसाइड होगा तो उस पर मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। लेकिन जो फिलहाल आप नज़र डालोगे रिलायंस कैपिटल जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हाईकोर्ट पहुँच गए, तो देखा तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी आप इसे मान सकते हो, साथ ही इसे एक तरह से आप नेगेटिव न्यूज़ भी मान सकते हो, क्योंकि जब तक ये केस हाई कोर्ट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक NCLT कोर्ट से जो रिलायंस कैपिटल फिर से मार्केट में तो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसका केस चलेगा तब तक तो यहाँ पे ये स्टॉक फिर से मार्केट में रिलीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप नज़र डालोगे सिंटेक्स मान लो, उत्तम गलवा मान लो, उत्तम वैल्यू मान लो, ये कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके मैटर अभी तक कोर्ट में चले, जिसके चलते अभी तक ये स्टॉक मार्केट में रिलीज नहीं हुए। तो देखा है तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी है और एक दूसरी तरह से आप मानो तो एक नेगेटिव न्यूज़ भी हमें रिलायंस कैपिटल में देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है।
तो आज के लिए बस इतना ही। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। रिलायंस कैपिटल पे आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।